अगर इसको दुल्हन बनाया तो सिवाय कलंक के कुछ नहीं बचेगा हमारे खानदान के नाम पे। दक्ष, अभी जिंदगी देखी नहीं है तुमने बेटा। जब उम्र जिंदगी के सबक सिखाएगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे मतलबी लोग हर मोड़ पर भरे पड़े हैं। इसने जादू चलाया है तुझ पर। खुद भी इसने अपने काले रंग के बावजूद एक रईस जाते को फंसाया था और बन बैठी थी इस घर की बहू। और अब अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा जाल फेंका, वो भी मेरे बेटे पर। रिश्ते जुड़ते वक्त दिलों का जुड़ना मायने रखता है, रंगों का नहीं। बुआ साहब बड़े हैं, इसलिए मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारे बचपन का जो खालीपन था वो इन्होंने अपने प्यार और मिठास से पूरा किया। और हमारे लिए सबसे करीब यही है, आपसे भी ज्यादा करीब। अगर धासा की मंजूरी हमें मिल गई है तो अब कोई भी विरोध हमारी शादी में रुकावट नहीं बन सकता। रही बात हमारा भला बुरा सोचने की, तो उसके लिए ये सारा परिवार हमारा है। सावरी बेटा, तुम्हारे पापा हमेशा मुझसे कहते थे कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। और जब वो मुझे प्यार भरी नजरों से देखते थे, मैं सचमुच अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती थी। जब तुम अपनी खूबसूरती खुद महसूस करोगी, तब दूसरे भी तुम्हारी सुंदरता देख पाएंगे। और मेरी सावरी तो सबसे होशियार, शालीन और गुणी लड़की है, यही तो होती है असली खूबसूरती। सावरी, मैं जानता हूं कि भुआ साहब की बातों से तुम्हारा दिल बहुत दुखा है। सच कहूं तो भुआ साहब हूं या उनकी जैसी छोटी सोच रखने वाले कुछ और लोग, उनकी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए तो तुम ही इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। धासा, इसने हमारी नाक कटवा दी, लड़कियों को मनाना भी नहीं आता इसे। राजवीर, मैं कोशिश कर रहा हूं ना, तुझे पता मुझे ज्यादा कुछ एक्सपीरियंस भी नहीं है। पर धासा भी यहीं सामने खड़ी है, कुछ ज्यादा बोल दिया तो यहीं सबके सामने कान खींच देंगे। कान नहीं बच्चू, कल तो मैं तुम्हारी नाक खींचने वाली हूँ। अरे धासा, वो तो लड़की वाले करेंगे, आप हमारी तरफ से, आप लड़की वालों की तरफ से, आप तो हमारे साथ बारात में नाचोगी। अरे मॉम, अगर बारात में आएंगे तो यहाँ पर बारात का स्वागत कौन करेगा? अरे ये सब हम नहीं जानते तो बस इतना कि धासा लड़की वालों की तरफ से आ रही है, फाइनल। जी नहीं,
मॉम सारी रस्में लड़की वालों की तरफ से निभाएंगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि मॉम अपनी बेटियों को छोड़ के दामाद की पार्टी में शिफ्ट हो जाए? वो सब हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि ढांसा लड़के वालों की तरफ से आएगी। That's it. बस बस बस, कल मेरी बेटियों की शादी है, नाचने का वक्त मुझे नहीं मिलेगा। और कल मेरे बेटों की भी शादी है, उनसे नहीं मिलूंगी तो कैसे चलेगा? Exactly. कल तो मेरी कसरत है, सब रस्में निभाते निभाते मेरी सांस न फूल जाए। दक्ष बेटा, इस परिवार में तुम्हारा स्वागत है। भगवान तुम दोनों को हर खुशी दे। नमस्ते, मैंने आपको न्योता देने के लिए फोन किया है। कल हमारी श्वेता और सावरी दोनों की शादी है ना, आपको आना ही पड़ेगा, हम राह देखेंगे आपकी। जी देखो कावेरी, मामेरा एक रस्म में जहां मामा मामी दोनों जाते, अगर हम दोनों नहीं जाएंगे तो रस्म कैसे पूरी होगी? समर, किस बात का ममेरा और किस बात का शगुन? समर, ये सब एक नाटक है और मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहती इस ड्रामे में। ठीक है कावेरी, जैसे तुम्हारी मर्जी। समर मैं नहीं, बस बहुत सुन लिया मैंने। तुमने हमेशा दीदी और मेरे माँ बाप को हमेशा हर्ट किया, तुमने मेरे भी दिल को हमेशा ठेस पहुंचाई। और सबसे बड़ा दुख तो मुझे यह है कि कामनी को अपने संस्कार, अरे संस्कार के अवगुण दिए तुमने। मुझे नहीं लगता हमारे बीच में कुछ कहने सुनने के लिए अब रह गया है। अब इससे पहले मैं जल्दबाजी में कोई फैसला लूं, मैं अपनी बहन की खुशियों में शरीक होने जा रहा हूं, क्योंकि वो मेरी जिम्मेदारी है। अब तक तैयार नहीं हुए तुम दोनों? अब तो निकलना है ना कावेरी? नहीं पापा, कावेरी नहीं आएगी। और वैसे भी मामेरा देने के लिए नाना नानी और मामा जा रहे हैं ना, तो फिर बाहर वालों की क्या जरूरत है। चलिए ना? वाह, तुम दोनों की मेहंदी तो खूब रंग लाई है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम दोनों को अपने पति से बहुत प्यार मिलने वाला है। अरे वाह, बातें खिल गई इनकी। ये देखिए कितना अच्छा रंग आया ना। लेकिन सावरी की मेहंदी का ज्यादा रंग आया है, इसका क्या मतलब होता है? अरे इसका कोई मतलब नहीं होता, मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी बच्चियां जिस भी घर में जाएंगी वो घर खुशियों से भरा होगा। मैं वही सोच रही थी कि तुम लोगों को इतनी देर कैसे हो गई। अरे दीदी, ममेरा सजाने में देर हो गई, अब तो ममेरा भी तैयार है और मामा भी। अच्छा, उम्मीद है आप सब लोगों को अपने अपने तोहफे पसंद आएंगे। दीदी, ये लड़के की माँ के लिए, वरना मेरी भांजी को ताने सुनने मिलेंगे कि उनका मामा बड़ा कंजूस है। अरे तो सही तो बोल। अरे आपके लिए भी खास तोहफा लाया हूँ, फिक्र मत कीजिए। और ये खास तोहफा उनके लिए जो जो आज अपने अपने घर चली जाएंगे। समर, कावेरी तुम रो क्यों रही हो? अपने पाप और प्राश्चित की भावना मेरी आंखों में आंसू ले आई है सलोनी दी। आज मैं आप सबसे माफी मांगना चाहती हूं।
अपनी छोटी बहन मानकर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सुधरने का मौका दीजिए। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग मुझसे बहुत बड़े हैं। अपनी इस राह भटकी बेटी को हो सके तो माफ कर दीजिए। कभी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा। समर, सबसे बड़ी गुनहगार तो मैं आपकी हूं। मुझे आपके साथ की जरूरत है। मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूं काफिरी, हमेशा से। देख रहे हैं अपना हार, कितनी प्यारी लग रही हैं आपकी ये दो निशानियां। चलो, मेरा यहां का काम तो हो गया, अब मैं जा रही हूं। अरे माँ, आप कहाँ जा रही हैं? मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, किसी की धासा भी हूं। अगर नहीं जाऊंगी तो तुम्हारे दूल्हे घोड़ी चढ़ेंगे क्या? तुम दोनों बैठी बैठी यहां इंतजार करती रहोगी और वहां पे बारात वाले इंतजार करते रहेंगे। जीते रहो बेटा। चलो, अब मैं लड़की वालों की तरफ से हूं। आइए भाई, आइए। अरे नहीं नहीं, रुको रुको। अरे हाँ। सलोनी कस के पकड़ना, वरना ये हमारी बेटियों को बहुत तंग करेंगे। कन्यादान के लिए माता पिता को बुलाइए। भाई साहब, भाभी साहब, रुक जाइए। अमृत जी, आप लोग बिल्कुल सही समय पे आए। मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी प्रसन्नता हो रही है आपको यहाँ देखकर। ब्रजेश, तारा, हमारे धर्म में कन्यादान से बढ़कर और कोई पुण्य नहीं है, और वो जन्म देने वाले के हाथों होता है। मैं चाहती हूँ कि इन बच्चियों का कन्यादान सलोनी और अमृत दोनों मिलकर करें। लेकिन बाबू, ये कैसे हो सकता है? हम तो यहाँ अपनी बच्चियों को आशीर्वाद देने आए थे। हाँ, तो दोनों अपनी बेटियों को आशीर्वाद। जिन बच्चियों को तुमने 10 साल तक पिता का प्यार दिया,
उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाया। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा उन पे हक नाहर से कहीं कम है। मैंने तुम में अपना बेटा देखा है, तो इस बूढ़ी माँ की ये आखिरी इच्छा भी पूरी कर दो ना। बाबू बिल्कुल सही कह रही है सलोनी। श्वेता और सावरी ने तुम दोनों को माता और पिता के रूप में देखा है, इसीलिए हक या अधिकार तुम्हारा है। सलोनी, हम तुम्हें इतने सालों से जानते हैं, तुमने हमेशा अपने दिल की आवाज सुनी, तो तुम्हारा मन आज क्यों मना कर रहा है तुम्हें? लेकिन मां, ये रस्म हम सलोनी के साथ कैसे कर सकते हैं? अमृत जी, नाहर के बाद हर मुश्किल में मेरा अगर कोई सहारा बना है जिस पर मैं पूरा भरोसा रख सकती हूँ, वो आप हैं। अमृत जी, मेरा और आपका दोस्ती का एक पवित्र रिश्ता है, फिर भी मेरी बेटियों के पिता तो आप ही हैं। आज मैं अपनी बेटियों के लिए एक पिता से पिता का फर्ज अदा करने के लिए कह रही हूँ, आप मना नहीं कर सकते। वर वधु का गठबंधन कर दीजिए। कन्या को सिंदूर लगाइए। सावरी, श्वेता, आज तुम दोनों नए घर में कदम रख रही हो। कहते हैं बेटी माँ की परछाई होती है, बेटी के हर अच्छे बुरे कदम को माँ की सीख माना जाता है। नई दुनिया में जाकर अपनी माँ का नाम हमेशा रोशन रखना। बाकी तुम्हारी माँ ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करेगी कि तुम्हारी जिंदगी में दुख का कभी एक पल भी ना आए, तुम दोनों को हमेशा खुशी ही मिले। आज हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर नहीं जा रहे, क्योंकि यह बहुत गहरा रिश्ता है, यह कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं।